हेलो एवरीवन, वेलकम टू री चैनल प्रोफेसर एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस एडमिशन नेपाल के बारे में। जैसे कि नेपाल में आपने हमारे कई वीडियोस देखे, नेपाल के पूरे 16 कॉलेज के बारे में प्लस गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में प्लस नेपाल के कॉलेज वाइज भी वीडियो आपने देखे, काठमांडू में मेडल कॉलेज के बारे में, नोबेल के बारे में और भी ऐसे आपने वीडियोज़ देखे। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं ये है आपका है नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल के बारे में। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। नेपाल में एडमिशन्स बहुत जल्दी फिल हो रहे हैं, रीजन्स क्या हैं कि इस बार इंडिया में काफ़ी स्टूडेंट पास आउट हुए हैं और फॉरेन के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। या नेपाल जाएगा स्टूडेंट, या बांग्लादेश जाएगा, या रसिया जाएगा, अगर टॉप ऑप्शन देखेंगे तो। उसके बाद तो और भी कई ऑप्शंस हैं। तो नेपाल जो है सेम सिलेबस आपका इंडिया वाला है, सेम आपका ड्यूरेशन है कोर्स का। और अभी जो दो चार दिन पहले आया हुआ है कि जो स्टूडेंट 2019 में भी इंडिया में फॉरेन में कहीं भी एडमिशन लिया है, यानी फॉरेन में तो पहले से स्टूडेंट आता था तो उसको एमसीआई का स्क्रीन टेस्ट पास करके तभी लाइसेंस मिलता था, तो अब इंडिया में जो 2019 में जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उसको भी लाइसेंस का एग्जाम देना होगा। तो अब सब कुछ इक्वल हो गया है, चाहे इंडिया में ले नेपाल में ले, लाइसेंस सबको सेम एग्जाम आपको पास करना होगा। तो बात करते हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज नेपाल के बारे में। ये कॉलेज आपका 2001 से एस्टेब्लिश है, यानी कि 22 से 23 साल का आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे एमबीबीएस के साथ साथ आपका एमएस एमडी की भी स्टडी होती है और ये कॉलेज त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से आपका अफिलिटेड कॉलेज है। और इस कॉलेज की अगर हम रिकॉग्नाइजेशन की बात करेंगे तो नेपाल मेडिकल काउंसलिंग, श्रीलंका मेडिकल काउंसलिंग, आपका भारत का जो है एमसीआई यानी मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया जो अभी एनएमसी हो गया है, ये प्लस डब्ल्यूएचओ से रिकॉग्नाइज आपका कॉलेज है। इस कॉलेज की अगर सीट्स की बात करते हैं तो 100 सीट्स टोटल सीट्स हैं, जिसमें आपका 33 सीट्स आपकी फॉरेन कोटा की यानी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। इस कॉलेज में अगर लोकेशन की बात करेंगे हम तो ये बीरगंज में सिचुएटेड है। बीरगंज कहाँ पे है, वो आपका काठमांडू से आपका नियर अबाउट 137 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। और अगर हम यूपी बॉर्डर की बात करते हैं तो गोरखपुर से आपका जो है नियर अबाउट 190 किलोमीटर की दूरी पे है। बिहार बॉर्डर पे है, बिहार बॉर्डर का नाम है रक्सौल, रक्सौल से नियर अबाउट 8 से 9 किलोमीटर पे आपका कॉलेज है और जहाँ पे है वहाँ का नाम है बीरगंज। तो ये लोकेशन आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा एडमिशन प्रोसीजर जो है इसका जो है वो आपका डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करते हैं हमें, 10+2 का मार्कशीट का स्कैन कॉपी, नीट स्कोर, आधार कार्ड कॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्लस आपका जो 10,000 रुपीज़ है जो फॉर्म का है वो सेंड करते हैं, तो आपको 1 से 2 दिन में आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। उसके बाद कॉलेज के अकाउंट में आपको 5 लाख रुपए सबमिट होता है जिससे आपका एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उसके बाद का जो प्रोसीजर बचा होता है वो जब एमएससी का एग्जाम होगा तब हम आपका कंप्लीट करते हैं। अब इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो पैकेज है, पैकेज इसका 45 लाख प्लस फूडिंग लॉजिंग है। फूडिंग लॉजिंग का खर्च जो आपका है 1,30,000 विद फूड से लेके आपके 2 लाख जो है पर ईयर पर फूड्स के हिसाब से है। हॉस्टल में डिफरेंट क्या है, 1,30,000 और 2 लाख में, 2 लाख वाले में आपका एक स्टूडेंट एक रूम में रहेगा, अगर 1,75 का लेते हैं आप विद फूड्स तो आपको एक कमरे में 2 बच्चे, 1,30,000 का जो इनका हॉस्टल और फूड्स है उसमें आपका एक रूम में 4 बच्चे होंगे, बाकी कोई भी डिफरेंट नहीं है। तो अगर आप जो है टोटल पैकेज की बात करते हैं विद हॉस्टल 1,30,000 पर ईयर वाला हॉस्टल लेके तो नियर अबाउट आपका 51-52 के आसपास इसका टोटल पैकेज पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, नेपाल में क्या है कि अभी कुछ रूल भी चेंज हो रहे हैं। जैसे कि पहले क्या था कि अभी 10,000 रुपये आप देते थे आपको एडमिशन लेटर मिलता था, उसके बाद कॉलेज के अकाउंट में 5 लाख रुपये आप सबमिट करते थे। अब कुछ ऐसे कॉलेज हो गए हैं जिनकी डिमांड, जिनमें सीट्स कम हो गई हैं तो 5 लाख रुपये पहले लेते हैं उसके बाद आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। पर अगर अभी आप 2-4 दिन या 5 दिन में आप करते हैं तो अभी हम आपको पुराने रूल्स के हिसाब से कर देंगे और अभी जो 5 लाख रुपये पहले लेते हैं वो अभी 1-2 कॉलेज ही कर रहे हैं। जैसे कि आपका काठमांडू मेडिकल कॉलेज कर रहा है, मणिपाल कर रहा है कि पहले 1 लाख लेता है उसके बाद आपको एडमिशन लेटर प्रोवाइड करता है। बाकी नेशनल में अभी डॉक्यूमेंट्स देंगे, 10,000 रुपीज़ देंगे, आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, उसके बाद कॉलेज अकाउंट में 5 लाख रुपये सबमिट करने होंगे। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे काउंसलर से ले सकते हैं एडमिशन प्रोसीजर कैसे क्या है। अगर आप नहीं समझ पाए तो काउंसलर से जानकारी लीजिए और अपनी सीट को तुरंत बुक करें। हमारा जो ऑफिस है लखनऊ, नोएडा प्लस आपका काठमांडू में है। अगर आप जो है काठमांडू विजिट करना चाहते हैं तो वहाँ डॉक्टर जय आपको मिलेंगे, वो आपको कॉलेज विजिट कराएंगे और बाकी का जो है प्रोसीजर भी आप कर सकते हैं। पर अभी क्या है कि तुरंत आप बुकिंग करें, अदरवाइज वहाँ का जो पैकेज है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे।